हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 17, जी हाँ, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिनाले की बात करूं तो 28 जनवरी को शो का फिनाले है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में 7 लोग इस हफ्ते नॉमिनेशन में फंस गए हैं, पर क्या आपको पता है उन 7 लोगों को आखिरकार किसने नॉमिनेट किया है? अगर नहीं जानते तो आपको बता देती हूँ इस वीडियो में ना फुल डिटेल ऑफ नॉमिनेशन टास्क। लेकिन उससे पहले यही कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो ना देरी के ना फटाफट से गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहला नाम जो 7 लोग नॉमिनेटेड है वो बता देती हूं। अरुण है, अभिषेक है, मनारा है, मुनव्वर, आयशा, समर्थ, जी हाँ ये वो नाम है जो कि इस हफ्ते नॉमिनेट हुए हैं। अब बारी आती है कि आखिरकार इन्हें किसने किया है नॉमिनेट। तो अरुण से शुरुआत करते हैं। अरुण को नॉमिनेट करने वाले हैं 4 लोग, उसमें मुनव्वर है, ईशा है, विकी जैन और आयशा का नाम शुमार है। वही अगर बात करें समर्थ को किसने नॉमिनेट किया है, तो इस लिस्ट में अभिषेक, आयशा और है मुनव्वर फारूकी का नाम। वही बात करते हैं आयशा की, तो आयशा को पहली बार मुनव्वर ने ना नॉमिनेट कर दिया है। और ये कह सकते हैं कि उन्होंने ना नेशनल टेलीविजन पर अब आयशा को एक बड़ा करारा जवाब दे दिया है उससे रिश्ता तोड़ते हुए। वही ईशा, समर्थ, विकी और मनारा ने भी आयशा को नॉमिनेशन में धकेला है। वही अगर अभिषेक की बात करें तो अरुण, विकी, समर्थ और ईशा ने उनका नाम लेकर उन्हें नॉमिनेट किया है। वही मनारा को नॉमिनेट करने वाले हैं अरुण, विकी, समर्थ और ईशा मालविया। इतना ही नहीं, विकी को नॉमिनेट किया है आयशा ने। जी हाँ, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि आयशा और विकी की अक्सर काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है, पर बावजूद इसके विकी का नाम आयशा ने ले लिया है। और अभिषेक और अरुण ने भी उन्हें नॉमिनेट करके मुश्किल में डाल दिया है। वैसे आपको बता दूं, मुनव्वर भी इस हफ्ते नॉमिनेट है और मुनव्वर को नॉमिनेट करने वाले अरुण है, समर्थ है और आयशा है। तो अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बहुत खुलकर सामने आ रही हैं और फैंस को ना लग रहा है बहुत झटका। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिएगा गॉसिप टाउन।